Hey everyone, welcome to my vlog. Very good morning to all of you. अभी बजा है सुबह का 6 और आज है 1 अक्टूबर 2022. So, बहुत सारे plans हैं जो मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ. This month is going to be different क्योंकि भाई नई शुरुआत करते हैं. Actually, मेरे vlogs अभी मैं 1 week से तो regularly upload कर रही हूँ, अगर आप notice किया हो. तो एक हफ्ते से मैं व्लॉग्स रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ, बट हाँ, आज से मेरा प्लान है कि मैं डेली व्लॉगिंग करने वाली हूँ एंड यू विल बी गेटिंग द व्लॉग्स ऑन द डेली बेसिस. एक दिन भी मेरी कोशिश रहेगी कि मिस ना हो. वैसे तो मैं पिछले एक हफ्ते से रेगुलर ही हूँ, बट फिर भी एक डेट दिमाग में रखते हैं कि 1 अक्टूबर विल बी द डेट जब से मैं रेगुलरली आपके लिए व्लॉग्स लाने वाली हूँ. और अगले कुछ दिनों के मेरे पास प्लान्स भी हैं सिंपली, जैसे कि कल है 2 अक्टूबर जो कि होती है गांधी जयंती. सो उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है क्योंकि मैं गांधी जयंती को बहुत डिफरेंटली सेलिब्रेट करती हूँ. तो इससे पहले तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो आपने कभी नहीं जान पाया, देख नहीं पाया. इवन बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं होंगे इससे पहले. तो अभी मैं आपको आज पूरी प्रिपरेशन मैं करने वाली हूँ 2 अक्टूबर की, जो कि गांधी जयंती होती है. और अभी मैं आप व्लॉग में बने रहिए, आप लाइक लास्ट तक आपको सब पता चल जाएगा मैं क्या क्या कर रही हूँ. और आज के पूरे व्लॉग में सारी की सारी प्रिपरेशन होने वाली है जो कि 2 अक्टूबर 2022 के लिए है. 2 अक्टूबर डेट इज़ गांधी जयंती. सो गांधी जयंती के लिए हम क्या सेलिब्रेशन करते हैं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है. एज सच वैसा सेलिब्रेशन नहीं है, बट हाँ, फिर भी आई डू समथिंग ऑन द यू कैन से एनुअल बेसिस. हर साल मैं कुछ करती हूँ, तो वो इस बार भी मैं करूँगी. और इस बार क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, सो यू विल बी गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन माई व्लॉग ऑल्सो कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ एंड एवरीथिंग. सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग. अभी मैं जस्ट मुँह हाथ धोकर आई हूँ एज इट इज़ रियली अर्ली मॉर्निंग. तो मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर फ्यू आवर्स. स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स. मैं आ गई हूँ नहा कर. मैं नहा चुकी हूँ अब, और अभी ब्रेकफास्ट करना है. तो बेसिकली आज ब्रेकफास्ट में बनने वाली है मैगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और प्लान कर रहे हैं वैसे ही बनाए मैगी जैसी मार्केट में हम लोग प्लेन मैगी खाते हैं, क्लासिक वाली विदाउट वेजिटेबल्स. लेट्स सी, अभी डिस्कस करती हूँ सिस्टर से. अगर वो कहेगी कि नहीं वेजिटेबल्स वाली होगी तो वो भी कर सकते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. और फिर मैं बनाऊँगी मैगी, उसको खाएँगे और फिर जाना है बाहर वो सारी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें खरीदनी हैं कल की सेलिब्रेशन के लिए जो कि गांधी जयंती पे मैं करना चाहती हूँ और जो मैं हर साल करती हूँ एक्चुअली. सो एवरी ईयर आई डू द ऑलमोस्ट सेम, तो सेम ही होगा, बट आप लोगों के लिए वो न्यू होने वाला है जो कि मैं सेलिब्रेशन करूँगी कल करूँगी. बट हाँ, आज उस सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन होगी. तो बनने जा रही है मैगी फॉर ब्रेकफास्ट. पैन मैंने चढ़ा लिया है गैस पर, लेट्स ऐड सम ऑयल ऑल्सो. तो मैंने चढ़ा दी है मैगी 4-pack वाली सबके लिए. मैंने सोचा तब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे. वैसे मैं प्लेन मैगी बना रही हूँ, बट मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं. मैगी बनकर हो गई रेडी. और मैं क्या बताऊँ, मेरा ड्रॉबैक लाइक एज ऑलवेज मेरे से प्लेन सॉल्टेड तो नहीं बन पाई जो बिल्कुल सूखी होती है. मेरे से यही होता है, मैं एक्सपेरिमेंटल तो अच्छे तरीके से कई तरीके की बना लेती हूँ, बट बिल्कुल प्लेन सॉल्टेड मेरे से नहीं बनती. ऑल्दो ये अच्छी बनी होगी, बट हाँ वो क्लासिक प्लेन सॉल्टेड वाली नहीं है. और सिंपली मम्मी को मैंने कम दिए. वैसे तो मम्मी मना कर रही थी, इवन हम लोगों की भी डांट पड़ती है मैगी खाने पर. ये मुझे को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बना ली और इसको हम लोग खाएंगे अब विद ऑरेंज जूस. तो मैं ले आई मैगी जूस के साथ ऑरेंज जूस. मम्मी ने अपने कपड़े निकाल लिए हैं जो लाइक अब वो मैंने कहा कि जो आप कम पहनती हो वाले, तो हमने इसको एक साइड करके तय करके प्रॉपरली रख लिया है. और सिंपली सिस्टर से भी मैंने बोल दिया है, वो भी निकाल रही है कपड़े अपने जो कि वो अब नहीं पहन रही. तो सिस्टर ने भी कपड़े अपने निकाल लिए हैं. यहाँ पर ये सारे सिस्टर के कपड़े हैं. मेरे कपड़े जो हैं वो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो अब मेरे पास ऐसे कोई कपड़े बचे नहीं हैं जो मैं ना पहन रही हूँ सिंपली. तो ये मम्मी और सिस्टर के कपड़े जो हैं वो हमने एक तरफ कलेक्टिवली रख लिए हैं, जिनको हम कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फ्रेंड्स, आपने देखा हम लोगों ने लाइक कपड़े निकाल के रख लिए हैं जो कि कल ले जाने हैं. और कल है गांधी जयंती, तो गांधी जयंती पे थोड़े क्लोथिंग्स, थोड़े फूड आइटम्स, ये सब मैं गरीबों में दान करती हूँ. तो मैंने फ़िलहाल क्लोथिंग्स तो निकाल ली हैं और सिंपली अब मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने. तो बन रही है हमारी ग्रीन टी, और ये है मेरा और मम्मी का कप. रेडी हो गई है ग्रीन टी. आप में से कितने लोगों को ग्रीन टी पसंद है और कितने लोगों को नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए. ऑल्दो मुझे तो ग्रीन टी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं दिन भर ग्रीन टी पी सकती हूँ.
काफ़ी रिलैक्सिंग होती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं निकल रही हूँ वो सामान लेने के लिए जो कि मैंने कहा था कि कल का अरेंजमेंट है सिंपली। लेकिन बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप है कि बस क्या बताऊँ, लग रहा है मई जून का महीना है। ऑल्दो इट्स फर्स्ट ऑफ अक्टूबर एज आई टोल्ड यू बिफोर, बट काफ़ी तेज़ धूप है, बिल्कुल मई 15 मई की धूप लग रही है। सो हियर आई एम ऑन द वे, और मैं एक्चुअली इस वक्त जा रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको व्लॉग के एंड में मैं बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि मैं किसी स्पेशल सी जगह पर जा रही हूँ और उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। शॉप पर मैं आ गई और मैंने यहाँ से कुछ पार्ले जी बिस्किट्स और कुछ क्रैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह लिए पाउच, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने में सही रहे। हे फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ वापस फ्रॉम द मार्केट, और मैंने लाइक जैसे कि मैंने बोला था कि आज के लिए लाइक 2 तारीख के लिए मुझे जो भी चीज़ें लेनी हैं, एक्चुअली मैंने कुछ बिस्किट्स और कुछ नमकीन लाइक ले लिए, जो भुजिया आती है ये हल्दीराम वगैरह क्रैक्स वगैरह वाली, वो कुछ ले ली हैं। और सिंपली मैंने क्लोथिंग्स जो हैं वो तो निकाल ही ली थी हम लोगों ने सब ने, तो कल का यही प्रोग्राम है कि कल जाएंगे और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी एक और आपको इंटरेस्टिंग सी बात बतानी है, आज मैं जब लाइक सिंपली आई वॉज जस्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, सो आई गॉट टू नो दैट लाइक मैं एक्चुअली बुक फेयर बहुत पसंद करती हूँ, यहाँ नेशनल बुक फेयर लगता है हर ईयर। सो मैंने इसे चेक किया कि कब लग रहा है कब नहीं, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली कल 2 अक्टूबर को उसकी लास्ट डेट है, तो 23 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक ही उसकी डेट थी। तो लाइक लकीली मुझे 1 अक्टूबर आज पता चल गया, तो आज मैं बुक फेयर गई थी। और मैंने बुक फेयर यहाँ पर इस ब्लॉग में नहीं दिखाया है क्योंकि मैं उसका जो ब्लॉग है वो सेपरेटली अपलोड करूँगी, और जल्द ही वो ब्लॉग चैनल पर आने वाला है विद इन 1-2 डेज। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल बुक फेयर जो है वो लखनऊ में लगता है, और सिंपली 23 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक वो इस बार लगा, और सिंपली कल लास्ट डे है, 2 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट ऑफ इट, एंड टुडे इज़ 1 अक्टूबर। तो मैं पहुँच गई लकीली, मैंने मतलब मुझे पता चल गया, ध्यान चला गया मेरा के लगा हुआ है, तो मैंने उसका एक व्लॉग शूट किया है, तो आप उस नेशनल बुक फेयर को इन्जॉय कर सकते हैं मेरे व्लॉग के थ्रू। तो आप वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, और वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा, तो इस वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।